हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी साइंस क्लासेस में। और आज हम देखिए आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है रेजोनेंस। यानी अनुनाद। देखिए प्यारे बच्चों, आज जो हम रेजोनेंस के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो देखिए, जो कॉलेज वाला रेजोनेंस होता है वो भी नहीं है, और जो फिजिक्स में हम रेजोनेंस स्टडी करते हैं वो भी नहीं। सिंपली आज जो है हम जो केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रेजोनेंस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका स्ट्रक्चर हम क्या है, सिंगल फॉर्मूले के द्वारा जो है रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, हमें एक से ज़्यादा जो है फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है, और यही प्रोसेस कहलाता है रेजोनेंस। यानी देखिए, रेजोनेंस का मतलब है रूप का बदलते रहना, यानी टू चेंज द फॉर्म। जैसे ही सिंपली हम एग्जांपल ले लेते हैं, यानी क्या है, देखिए जो चैमिलोन्स यानी जो गिरगिट होता है वो अपना रंग चेंज करता रहता है। वैसे क्या है, देखिए रेजोनेंस में क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं वो अपना जो फॉर्मूला है, जो अपना स्ट्रक्चर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो क्या है, चेंज करते रहते हैं। बैलेंस बॉन्ड जो स्ट्रक्चर है उसको जो है चेंज करते रहते हैं। यानी कभी इलेक्ट्रॉन जो है एक कार्बन के साथ रहता है, ये कभी दूसरे के साथ जुड़ जाता है, कभी तीसरे के साथ रहता है, कभी चौथे के साथ जुड़ जाता है, या फिर कभी पुरानी वाली स्टेज में ही पहुंच जाता है। इस तरह से क्या, देखिए जो इनका रूप है, जो चेंज इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, बदलता रहता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं हम रेजोनेंस। यानी अगर हम सिंपली देखें डेफिनेशन देखें रेजोनेंस की, तो इस प्रकार देखेंगे, यानी when more than one molecular structures are used to रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इज कॉल्ड रेजोनेंस। The structure is structure which are used to describe resonance are called resonating structure। यानी देखिए, अगर हम किसी एक मॉलिक्यूल को क्या है, देखिए सिंपल एक स्ट्रक्चर के द्वारा जो है उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तब हम क्या करते हैं, उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की इस्तेमाल करते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें क्या है, हम किसी एक कंपाउंड की या किसी एक मॉलिक्यूल की जो है एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को जो है एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम रेजोनेंस यानी अनुनाद कहते हैं। और जिन स्ट्रक्चरों का हम प्रयोग कर रहे हैं इसके रेजोनेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब देखिए हम बात करते हैं, सिंपली एक एग्जाम्पल लेकर मान लेते हैं। देखिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2। देखिए यानी यहाँ पर क्या है, एक या तो H प्लस होगा,
एक हाइड्रोजन होगा या क्लोरीन माइनस भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, वो यहाँ से छोड़कर जा चुका है, यानी यहाँ से वो जो जा चुका है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर यह है एक माइनस चार्ज है, इसके ऊपर क्या है एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी जो इसका जो इसके पास क्या है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी जो कार्बन है इसके ऊपर क्या है एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी होने का मतलब क्या है, इसके पास का जो हाइड्रोजन है या मान लीजिए क्लोरीन है या ब्रोमीन है या आयोडीन है वो यहाँ से छोड़कर जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इधर वाले जो कार्बन है इसके साथ जो है डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, देखिए इसके साथ जो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यानी यहाँ पर क्या है देखिए दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है कार्बन कार्बन के बीच, इसलिए क्या है यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड का निर्माण हो रहा है। नीचे वाला जो होता है देखिए डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जबकि पाई बॉन्ड जो है थोड़ा सा वीक बॉन्ड है। अब वीक बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, देखिए अपनी जगह पर जो है मूवमेंट करते रहते हैं ऐसे ऐसे, जिस वजह से क्या है ये मूवमेंट करते हुए क्या है अपना स्थान जो है छोड़ देंगे, और छोड़ने के बजाय जो है यहाँ से जो है ट्रांसफ़र होकर यहाँ जाएंगे, यानी मूव करते हुए क्या है दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है उसके पास में पहुँच जाएंगे, क्योंकि इसके पास तो पहले से क्या है एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। अब यानी जब ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है अपनी जगह छोड़कर यहाँ पहुँचेगा, तो अब ये वाले कार्बन के पास क्या हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। इसको हम देखिए इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CH2 यहाँ पे आप सिंगल बॉन्ड बना CH CH2। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर वाले के पास पहुँचा तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन कमी हो गई थी वो पूरी हो गई, क्योंकि अब इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन था ये वाला इलेक्ट्रॉन वो तो अपनी जगह पर जैसा था वैसे ही रहा। अब असर जो पड़ा तो देखिए ये साइड वाला जो कार्बन था इस पर पड़ा, क्योंकि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो है यहाँ से जो है शिफ्ट होता हुआ यहाँ पहुँच गया, मूव करता हुआ क्या है इधर वाले कार्बन के पास पहुँच गया, जिसकी वजह से अब इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब देखिए यानी अब हम देख रहे हैं यानी इस ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए नहीं तो ये वाला जो है फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हो सकता है शिफ्ट होकर यहाँ आ जाए, या फिर से क्या हुआ देखिए ये जो है शिफ्ट होकर इधर की तरफ भी आ सकता है, या फिर हम देखिए इसको एक तरह से और लिख सकते हैं CH2CH CH2। अब ये वाला जो डबल बॉन्ड था शिफ्ट होकर यहाँ आ गया फिर वापस अपनी पुरानी वाली स्टेज में, तो पुरानी वाली स्टेज में आ जाएगा तो क्या होगा देखिए फिर से क्या हो जाएगी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी जो पहले चल रही थी। अब इसका जो है जो कमी हो गई थी इलेक्ट्रॉन क्या है दूसरी तरफ जाने से वो इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी हो जाएगी। इसलिए क्या है देखिए हम क्या है एक ही मॉलिक्यूल को स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे जो है फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहे हैं, कई सारे स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हीं की, और ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को हम रेजोनेंस कहते हैं। यानी इसमें क्या है देखिए इस सिंपल कंपाउंड को सारी प्रॉपर्टीज़ को इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम सेटिस्फाइड करने के लिए 1 2 3 जो है फॉर्मूले ले रहे हैं, इसलिए यही क्या है रेजोनेंस कहलाता है। यानी किसी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए एक से ज़्यादा फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना ही रेजोनेंस कहलाता है। और ये हम क्या है इन सब फॉर्मूलों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये सभी क्या है ये कहलाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखिए हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर टू यानी कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अगर हम देखें देखिए कार्बन डाइऑक्साइड यानी सिंगल कार्बन एंड टू ऑक्सीजन O, अगर हम देखिए हम जानते हैं कि जो कार्बन होता है उसके एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखिए एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। वहीं जो ऑक्सीजन है एटॉमिक नंबर 8 होता है, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए क्या है देखिए यहाँ पर भी क्या है दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, 1 2 3 4 यानी दो जोड़ी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है यहाँ पर, इसलिए क्या है डबल बॉन्ड बन रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है
ये जो डबल बॉन्ड बनाने वाला इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, यहाँ से शिफ्ट करता हुआ यानी मूव करता हुआ क्या है, इधर वाले ऑक्सीजन के पास पहुँच जाता है, जिसकी वजह से क्या, देखिए अब इसके पास क्या थे, इसके पास तो देखिए भाई पहले से कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट शेल में, 2 की नेचरिंग के लिए 8 हो गए, 8 पूरे हो गए। अब जब देखिए शिफ्ट करता हुआ इधर पहुँचेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस का चार्ज, कार्बन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा भाई। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन इधर पहुंचेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है मुंह पड़ता हुआ इधर पहुंचेगा, तो यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन यानी 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बन गया। बट इधर वाला जो ऑक्सीजन था अब उसके पास क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इस वजह से क्या है इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। ये इससे अपोजिट भी पॉसिबल है, मान लेते हैं देखिए फिर से क्या, देखिए जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है जो एक्स्ट्रा पहुंचा था ये क्या करेगा, देखिए 1 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन देखिए ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है दोबारा से क्या है मूव करता हुआ क्या है अपनी पुरानी वाली जगह पहुंच जाएगा। पुरानी वाली जगह पहुंचने के बाद क्या है, यानी जो ये इलेक्ट्रॉन था जो ये ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन का ये जो मॉलिक्यूल था जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो कमी पूरी हो जाएगी, फिर से क्या है ये अपनी जो इनिशियल स्टेज थी उसके अंदर पहुँच जाएगा। बट ये भी हो सकता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था जो क्या कर रहा है, देखिए ये वाले कार्बन था डबल बॉन्ड बना रहा था, ये क्या है शिफ्ट करता हुआ फिर इधर वाले ऑक्सीजन के बीच में पहुंच जाए। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ इस प्रकार करेंगे 1 2 3 एंड अब क्या हुआ, देखिए इस वाले के पास जो है इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसके पास जो है अधिकता हो गई। यानी इस तरह से क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, देखिए जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एलिमेंट होते हैं उनके बीच में जो है ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उनके बीच में जो है मूव करते रहते हैं, इसलिए क्या है हम इनको क्या है एक सिंगल स्ट्रक्चर के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, और इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या है एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है, और ये जो प्रोसेस होता है यही रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस का मतलब है एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरों का इस्तेमाल करना किसी भी कंपाउंड के प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। अब देखिए यानी अगर हम बात करें कुछ और एग्जांपल लेकर रेजोनेंस के बारे में, तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कार्बोनेट का। यानी CO3 माइनस माइनस, दो माइनस है एक कार्बन है। हम देखें इसका स्ट्रक्चर बनाकर, देखिए तो C सेंटर में 1 2 2 एंड 3 3 जो है ऑक्सीजन आ गए। अब हम क्या है देखिए कार्बन की जो बैलेंस होती है 4 होती है। अब इसके पास कितनी होगा, देखिए एक इधर से शेयरिंग कर देखिए इन्हें, एक इलेक्ट्रॉन की एक इधर से कर रखी है एक इधर से कर रखी है, 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास हो चुके हैं, एक और ले सकता है ये, एक इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ले लेगा। मान लेते हैं देखिए इन्हें क्या ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। अब इस वाले ऑक्सीजन की और ये वाले कार्बन के जो है इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए 8 8, क्योंकि इसके पास 6 होते हैं। अगर देखिए हम सिंपली इसका स्ट्रक्चर लिख के देखें तो ऑक्सीजन का एटोमी नंबर 8 होता है, कॉन्फिगरेशन लिखेंगे 2 और 6, कार्बन का लिखेंगे तो 6 होता है 2 और 4। यानी इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, वहीं कार्बन जो ऑक्सीजन है उसको क्या है 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन ये वाले ऑक्सीजन के पास देखिए कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 की इनने शेयरिंग करी 8 पूरे हो गए, जबकि इन्होंने क्या है एक एक की शेयरिंग करी है तो इनके जो है 7 है। यानी इनके ऊपर क्या है देखिए एक जो इलेक्ट्रॉन था वो अनपेयर्ड रह गया, इसको पेयर्ड करने के लिए इसलिए क्या है यहाँ पर हमने माइनस का चार्ज जो है माइनस का साइन जो है रिप्रेजेंट किया है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये जो इलेक्ट्रॉन ये जो हमने डबल बॉन्ड बनाया है ये ऊपर वाले के साथ ही होगा, ये हो सकता है शिफ्ट करता हुआ नीचे की तरफ आ जाए। यानी शिफ्ट करने के मतलब क्या है, ये वाला जो बॉन्ड है ये वाला जो कार्बन था जो इसके साथ जो है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था जो ये वाले ऑक्सीजन के साथ जो है डबल बॉन्ड बना रहा था ये क्या है शिफ्ट करता हुआ ये वाले ऑक्सीजन के पास में भी आ सकता था। अब देखिए जब ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता हुआ यहाँ पहुँच गया तो इसके पास तो क्या है कार्बन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट जो ऑक्सीजन है उन पर इफेक्ट पड़ेगा। अब इसके पास कितने थे, देखिए पहले से 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक अनपेयर्ड था, अब ये वाला जो शिफ्ट करता हुआ यहाँ पहुँचा तो इसका पेयर्ड हो गया यानी इसके 8 पूरे हो गए। अब ये वाला तो जैसे ही अनपेयर्ड रह गया ये वाला भी अनपेयर्ड रह गया। अब ऐसे ही क्या है देखिए ये जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था
ये जो इसके साथ जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा था, ये शिफ्ट करता हुआ क्या है, हो सकता है इधर वाले ऑक्सीजन के पास पहुंच जाए, जो क्या करेगा इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो पूरा कर देगा। अब इसके पास देखिए डबल बॉन्ड हो जाएगा, अब इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाएगी। अब वहीं क्या है, फिर से क्या है, देखिए ये मूव करता हुआ अपनी पुरानी वाली जगह पर पहुंच जाएगा, यानी शी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड ओ माइनस माइनस। इस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए हम क्या है कार्बोनेट आयन जो है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कई सारे जो है फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, देखिए आपस में मूव करते रहते हैं, आपस में अपना स्थान जो है चेंज करते रहते हैं, यही जो कहलाता है रेजोनेंस कहलाता है। रेजोनेंस को हम देखिए एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। यानी इलेक्ट्रॉन का एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है मूवमेंट हो जाना ही कहलाता है रेजोनेंस। इसमें क्या है, देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, एक को छोड़ेंगे दूसरे के पास पहुंच जाएंगे, दूसरे छोड़ेंगे तीसरे के पास पहुंच जाएंगे, तीसरे छोड़ के फिर पुराने वाले के पास पहुंच जाएंगे। नहीं, आपस में क्या है, देखिए अपने स्थान जो है चेंज करते रहते हैं, इसको भी हम रेजोनेंस कह सकते हैं। इसलिए क्या, देखिए हमने एक बड़ी इस्तेमाल करा विद इन द मोलिक्यूल। अगर आपने को याद है हमने क्या, देखिए हाइब्रिडाइजेशन में बताया था, यानी जब क्या है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो है बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले में बताया था हमने, देखिए तो वो कहलाती है हमारी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे क्या है जो रेजोनेंस है वो भी क्या है, देखिए इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही होते हैं, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है। जैसे कि हमने बताया था, देखिए इंट्रा मतलब विद इन द मॉलिक्यूल, जैसे कि इंट्रा कॉलिज फंक्शन होते हैं, यानी इंट्रा कॉलिज फंक्शन में क्या होता है, केवल उसी ही स्कूल के बच्चे जो है उस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि इंटर में क्या होता था, देखिए बाहर से दूसरे स्कूलों के बच्चे आकर जो है उस फंक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। वैसे क्या है, देखिए इसमें क्या है जो इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, क्योंकि इसमें क्या है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनों का जो है ट्रांसफरमेंट होता रहता है। और देखिए अगर हम बात करें जो रेजोनेंस है, ये क्या है, एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। हाइपोथेटिकल प्रोसेस इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हाइपोथेटिकल प्रोसेस यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो इमेजिन किया गया, इमेजिनरी प्रोसेस है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। क्योंकि देखिए इसको ना ही तो ये वाले फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ना ही ये वाले से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम करेंगे कौन से। इसलिए क्या है, हमने इसको नाम दिया हाइपोथेटिकल प्रोसेस, यानी दिस इज़ अ टोटली इमेजिनरी प्रोसेस, यानी ये क्या है एक कल्पनागत, जिसकी कल्पना की गई हो, एक ऐसा प्रक्रम है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। अब देखिए जो मेन बात जो हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है देखिए हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड क्या होता है, देखिए यानी अब जब हम इसको क्या है, ना ही देखिए अगर हम बात करें कार्बोनेट आयन को, ना ही इसके द्वारा फॉर्मूले के द्वारा लिख सकते हैं, ना ही इसके द्वारा, तो फिर लिखेंगे किसके द्वारा, तो उसके लिए क्या करते हैं, देखिए हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में क्या होता है, देखिए समझेंगे, अगर देखिए हम क्या है इस कार्बन वाले मॉलिक्यूल का जो है हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएं, तो अब देखिए इसमें क्या है, जो ये इलेक्ट्रॉन था जो पाई बॉन्ड बनाता है
वो क्या है, देखिए मूव करता रहता है विदिन द मॉलिक्यूल, यानी एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह तीसरी, तीसरी से पहली, फिर मूव करता रहता है, इसलिए क्या है इसकी पोजीशन जो है हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करते हैं हम, देखिए सबसे पहले क्या है रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखिए सिंपल चेन बना लेते हैं CH2 CH एंड CH2। अब क्या है देखिए, अब इसके जो है हम इस इलेक्ट्रॉन की जो क्या है डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड बना रहा है उसकी पोजीशन को जो है लिखने के लिए क्या करते हैं, देखिए पोजीशन के लिए नहीं है तो डॉटेड लाइन का प्रयोग कर लेते हैं। डॉटेड लाइन यानी हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और देखिए कभी इसके ऊपर प्लस का चार्ज आता था, कभी इसके ऊपर आता था, यानी कभी इसके ऊपर कभी इसके ऊपर, यानी जो जो चार्ज है यानी जो इलेक्ट्रॉन था उसकी स्टेबिलिटी जो है फिक्स नहीं थी। इसलिए क्या है हम क्या करते थे, देखिए थोड़ा सा इसके ऊपर पॉजिटिव लगा देते थे, थोड़ा सा इसकी तरफ लगा देते थे, क्योंकि यानी अगर मान लीजिए कोई जो है कोई यानी मान लीजिए देखिए या पर H यानी हाइड्रोजन आएगा जो इसके साथ जुड़ना चाहेगा, या फिर मान लीजिए क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन यानी Cl- Br- या I- जो है इसके साथ जुड़ना चाहेगा, या तो इसके साथ जुड़ सकता था या इसके साथ जुड़ सकता था, क्योंकि दोनों के पास ही क्या है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, यानी थोड़ा सा इसके ऊपर पॉजिटिव है, थोड़ा सा इसके ऊपर पॉजिटिव है। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है यही कहलाता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये क्या है देखिए रियल में एग्जिस्ट होने वाला स्ट्रक्चर है, यानी दिस इज़ द इमेजिनरी स्ट्रक्चर बट दिस इज़ द रियल स्ट्रक्चर, यानी ये क्या है वास्तविक स्ट्रक्चर है, इसके द्वारा ही हम क्या है जो कंपाउंड होते हैं उनकी वास्तविकता को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये क्या है, इसमें क्या है जो इलेक्ट्रॉन है उसकी फिक्स पोजीशन हमने यहाँ पर नहीं दिखाई है, इस वजह से क्या है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं सारी प्रॉपर्टीज जो है इस फॉर्मूले बेस पर जो है हम ईजिली रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन से रिगार्डिंग या किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो या एजुकेटिव लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और देखिए इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों में फैलाएँ ताकि वो लोग भी हमसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।